हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। यहां हमें 15 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स टेस्ट के स्कोर दिए गए हैं और उसके बाद हमसे कहा गया है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। आर दे सेम, यानी कि हमें इस डाटा का मोड भी निकालना है और इसी डाटा का मीडियन भी निकालना है और फिर हमें चेक करके बताना है कि इस डाटा का मोड और मीडियन सेम है या नहीं। तो सबसे पहले हमने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया स्टूडेंट्स। इस चैप्टर की जो बेसिक वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी डाटा का मीडियन फाइंड करना हो तो आप सबसे पहले उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर इस डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। आप इस डाटा में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस डाटा में सबसे छोटा नंबर है 5 और 5 एक ही बार आया है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 5 लिखा। उसके बाद 5 से बड़ा नंबर जो इस डाटा में है वो है 9 और 9 भी एक बार आया है, तो यहाँ पर एक बार हमने 9 लिखा। 9 से बड़ा नंबर जो इस डाटा में है वो है 10 और 10 भी इस डाटा में एक बार आया है, तो यहाँ पर हमने 10 लिखा। 10 से बड़ा नंबर इस डाटा में है 12 और 12 भी एक ही बार है इस डाटा में, तो यहाँ पर हमने एक बार 12 लिखा। 12 से बड़ा नंबर इस डाटा में है 15 और 15 भी इस डाटा में एक ही बार आया है, तो यहाँ पर हमने लिखा 15। 15 से बड़ा नंबर इस डाटा में है स्टूडेंट्स 16 और 16 भी इस डाटा में एक ही बार आया है, तो यहाँ पर हमने लिखा 16। 16 से बड़ा नंबर इस डाटा में है 19 और 19 भी इसमें एक ही बार आया है, तो यहाँ पर हमने लिखा 19। 19 से बड़ा नंबर इस डाटा में है स्टूडेंट्स 20 और 20 देखिए कितनी बार आया है, 1, 2, 3 और 4 बार, तो यहाँ पर हमने 4 बार 20 लिखा। 20 से बड़ा नंबर इस डाटा में है 23 और 23 एक बार आया है, तो यहाँ पर हमने 23 को एक बार लिखा। 23 से बड़ा नंबर इस डाटा में है स्टूडेंट्स 24 और 24 इस डाटा में एक बार आया है, तो यहाँ पर हमने 24 एक बार लिखा। 24 से बड़ा नंबर इस डाटा में है 25 और 25 इस डाटा में देखिए दो बार आया, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो 25 यहाँ पर हमने दो बार लिखा। तो सबसे पहले हमने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब हम सबसे पहले मोड फाइंड करेंगे इस डाटा का। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मोड क्या होता है, किसी डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आती है, यानी किसी डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही उस डाटा का मोड होता है। तो इस डाटा में देखिए 20 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, तो 20 इस डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस डाटा का मोड क्या होगा, 20। तो यहां पर हमने क्या लिखा, मोड इज इक्वल टू 20। अब हम इस डाटा का मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए इस डाटा को अरेंज तो हम पहले ही कर चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इस डाटा में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस डाटा में नंबर ऑफ वैल्यूज है 15, तो यहां पर हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 15 और 15 एक ओड नंबर होता है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे विच इज ओड। इस एक्सरसाइज की बेसिक वीडियो में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब भी नंबर ऑफ वैल्यूज ओड होती हैं तो मीडियन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2, फिर हम ये ब्रैकेट लगाते हैं और यहां लिखते हैं th टर्म। अब ये मीडियन यहां पर हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, एन की जगह यहां हम 15 लिखेंगे क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है 15, तो एन की जगह यहां 15 आएगा, प्लस का साइन एज इट इज आएगा, 1 भी यहां पर एज इट इज आएगा, अपॉन में 2 है ये अपॉन में 2 भी एज इट इज आ गया, ब्रैकेट लगाएंगे, टी एच टर्म भी एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 15 प्लस 1 16 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 16 आया, अपॉन में जो 2 है वो यहाँ पर एज इट इज आ गया, फिर हमने ये ब्रैकेट लगाया और टी एच टर्म यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब हम 16 और 2 को आपस में सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 2 से काटेंगे।
देखिए, टू वन द टू एंड टू एट द 16, तो अब हमें यहां पर क्या मिल गया है, एट्थ टर्म। तो यहां पर हमने लिखा मीडियन इज इक्वल टू एट्थ टर्म। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर मीडियन एट नहीं है। यहां पर मीडियन हमें कैसे पता चलेगा, जो डाटा हमने अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें जो एट्थ टर्म होगा उसकी वैल्यू मीडियन होगी। अब हम यहां पर इस डाटा को चेक करेंगे जो हमने अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म। तो एट्थ टर्म पे देखिए कौन सी वैल्यू है, 20। तो ये 20 ही मीडियन होगा। तो यहां पर हमने लिखा है मीडियन इज इक्वल टू 20। अब हम इस डेटा का मोड भी निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स, और मीडियन भी निकाल चुके हैं। देखिए, मोड 20 आया था और मीडियन भी 20 आया है। और हमसे पूछा गया था कि इस डेटा का मोड और मीडियन सेम है या नहीं, तो अब हम कह सकते हैं यस, मोड एंड मीडियन आर सेम। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।